सो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरे पीछे का नज़ारा, बिल्कुल आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग गांव में जाएंगे, मॉर्निंग की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग नहा धो रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं जहाँ पे आज पूजा है गांव में। तो चलेंगे वहाँ भी, रेडी हो लेते हैं पहले, उसके बाद फिर चलेंगे। हाँ, मेहंदी मेहंदी लगा रखी है, ब्राउन ब्राउन तो है, फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं ऊपर अपने मतलब गड़कोट गांव, क्योंकि वहां पे आज पूजा होने वाली है और सब इकट्ठे हो चुके हैं। तो थोड़ा दूर रहा है रास्ता, मतलब कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट थोड़े दूर तक जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहां तक गाड़ी में जाएंगे और उसके बाद पैदल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बैठ गए, थोड़ा आगे करते हैं। नहीं नहीं, मैंने आगे करी ना। अच्छा, मैंने जगह बनाई, तो गाड़ी वहीं रहना, रात भी वहीं रहना, देख लेना। मैं तो आ जाऊंगा पैदल, फिर रात को मेरे को चलानी आती नहीं गाड़ी, तो मैं चला दूंगा। आ जाना नीचे फिर। हाँ, क्या कर रहे हो? ये दरवाजा क्यों खोल दिया? इसको लॉक करो, लॉक नहीं आती है अभी तो भैया। अच्छा, शीशा खोलना था ना। हाँ, शीशा मानो फाका ही आपके वजह से गाड़ी गई है दीदी, ये पता है आपको? ना तो हमने तो ना चालू बोला पैदल जाओ। अच्छा, मैं तो पैदल ही निकाल दिया था। अरे उनका पता था ना कि मेरे को दीदी को डबल नहीं नहीं जा पाते, नहीं तो अब क्या कर ली जाना। वेयर सी जवान, वेयर सी शक्ति। अरे ये वाला हम तो चल दो ना, मैं तो आ रहा हूं। अच्छा ही हमें पता है, तो कौन जानते वो 8 बजे तक रात और क्या बुझानी जी बोर्ड का यहाँ से सुंदर दिख रहा है। देखने को यहाँ से सुंदर है, अच्छा वो लगा है गेट वहाँ पंचराड़ का है। कल हो गई है तो परसों हो गई। यात्रा का पूरा मजा ही खराब कर दे गाड़ी में। तो पैदल जाते हैं, ये तो रोड बनी हुई है कि तो सीधा सीधा। हाँ, अभी दिख जाएगी रोड कितनी बनी हुई है। कोई बात नहीं, रोड आज ही तो जाना है। रश्मि तो रोज जाती है ना पैदल, इसको तो लग रहा है कि गाड़ी में चलो ठीक है। हम लोग तो पैदल जाते नहीं ना, हमें तो उसका रोमांच था। अब रश्मि को रोज तो जाते ही है, ये तो गाड़ी में चलेंगे। रश्मि की भी इच्छा पूरी होगी, सुबह को आ जाएंगे ना फिर। ये क्या लगे बीच में, ये बीच में क्या लगे डंडे लगाए जिसपे? टमाटर है। अच्छा, बड़े अच्छे कर रखे। देसी बन गए, अंग्रेज बन गए गढ़वाली। अच्छा, वो सामने गड़कोट है ना सामने। ये है ये क्या है? धीरे चलो, धीरे चलो। हल्के बंदे बैठे गाड़ी में, तभी भी ये ऐसे ही चलेगी गाड़ी। यहाँ पे पथरीले जो तुमने बिछा रखे ना यहाँ पे, ये संगमरमर है। पक्की नहीं हो रही है, बस कैंसर ले गया। मैं कैंसर तो हुआ लूँगा। अरे जेल में है वो, है रिया ना। अबे फॉरेनर आ
देखो बच्चे घूम रहे पैदल पैदल कैंसर बीमारी हो गया कैंसर का नहीं कर दूंगा उसको कैंसर अभी तो बोल रहा कैंसर हो गया उस पे अच्छा साल आज तक बना नहीं रहा यार कैंसर ही होगा बताइए रोड कब बटी लड़की बाप से वही साल हो गया हां ये गांव से रात को रात हम तावर ये कावड़ो थी इतने सारे मैं वहाँ पे खड़ी कर दूँगा गाड़ी यहाँ तक पैदल आ जाना वहाँ गाड़ी एडवेंचर हाँ वहाँ पे कर देना कोई नीचे तो आ ही जाएंगे तभी तो मैं चप्पल पहन के नहीं आई इस पे चप्पल से भी कैसे चलेगा बंदा चप्पलों में भी नहीं वो बड़ी बड़ी हील होगा हाँ ये बड़ी हील होगा हाँ हील से पता है क्या देना हाँ यार जूता बड़ी चप्पल हाँ ये पॉसिबली वो भैया गाड़ी बंद नहीं जुड़ी ना देखो जगह ही नहीं है गाड़ी रखने की पास में लग रहा है एक किलोमीटर तो एक किलोमीटर तो होगा चलो घर तक अरे तो तिल का कहने बैग करके लाओ यार जाने की माँ जान वो लगे तो टेंट वेंट से ऊपर छह बजे सबने यही आना है अच्छा उतरो फिर छह बजे सबने इधर ही आना है अरे तो मैं तो नहीं ऐसे चलो चलो आप चलोगे तभी तो चलेंगे हम पीछे पीछे गाड़ी खाए और नमस्ते बोलो ना आपको बता दीजिए चलो चलो हाँ तो जाएंगे नीचे हाँ कोई नहीं मुझे कीर्तन चल रहा है रास्ता यहाँ से ये बना रखा है ना गेट चलो आ जाओ रास्ता धीरे धीरे चलेंगे ताकि मैं क्या धीरे धीरे चलेंगे सांस फूट जाए नहीं तो धीरे धीरे चलेंगे ताकि हम थक नहीं जाए ज़्यादा अच्छा है वैसे तो ना ऊपर से व्यू दिखता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे तो वो है ना नीचे रोड रोड है ना ऊपर चल के मिले क्या क्या लगाई बताओ जरा क्या क्या लगाई यहाँ पे ये मक्का है और राई है राई और गोभी है राई सीजन में लग जाती है हाँ है ये राई लगाई अच्छा हाँ वो लगी हुई बीच में राई भिंडी और गोभी ये गोभी है ये बीन्स है वो भी मक्का है वो करेले का पेड़ है करेले मतलब बेल है बेल है काफी कुछ लगा हुआ यहाँ हो रहे हैं कीर्तन Yeah.
सी छोटे छोटे अंगूर लगे भी हुए, वो देखो पूरे घर को घेरा हुआ है। बड़ी प्यारी सी बगिया बनाई हुई सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रजनी के कुछ नोन मिल गए थे तो वो अपने घर ले गए, तो हम अभी उनके घर ही जा रहे हैं। कीर्तन के बीच में से हम होके तो आ गए माथा वाथा टेक के, लेकिन अभी हम दोबारा से जाएंगे। और यहाँ पर ये लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे घर चलो चलो, हमने कहा चलो इसी बहाने हम गांव भी देख लेंगे, क्योंकि हमने गांव देखा नहीं है, कभी रहे तो है ही नहीं, बट आते भी बहुत सालों में एक दो बारी आए हैं, आई थिंक ये दूसरी विजिट होगी। तो ये रोज़ के रास्ते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं काम करते हैं ये उनके लिए ये बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन हमारे लिए नया है। तो मैंने प्रॉपर शूज़ पहने ताकि मैं कहीं इधर उधर गिर ना जाऊँ। क्या पानी दे दो। हाँ पानी। फ्रेंड्स, पीछे की तरफ आप छंद देख सकते हो जो कच्ची है, जिस जहाँ पे गाय पे सब बांधा जाता है। हाँ कुछ वैसे तो सारे पौधे जंगल के ही होते हैं ना। निकाल के हमने घर में लगा लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो इन्जॉय किया होगा, गांव का वीडियो। उसके बाद शाम को हमने कीर्तन में और बैठे, देन रात को हम 1 बजे के आसपास घर आ गए थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड।